मंदिर न खोलने के कारण आंदोलन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह आंदोलन किया गया। उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ से आंदोलन की शुरुआत की। कोरोना काल के चलते सभी स्थान बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी कोरोना का प्रकोप कम नजर आने से बाजार और कुछ स्थान खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मंदिर को खोला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि सभी इस मत से सहमत है कि मंदिर खोलने चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा कि यहाँ की पुलिस हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और पुलिस कर्मचारी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनके मन में भी कहीं ना कहीं आग है, लेकिन वह वर्दी में होने के कारण स्पष्ट रूप से नहीं कह सके। इस देश में अगर हिंदू को मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करना पड़े तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। हिंदुओं को गौरक्षा करने के लिए कोई आंदोलन करना पड़े इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। हिंदुओं को बड़ी अपेक्षा थी कि कोरोना का काल कुछ कम हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसके कारण सरकार ने मॉल खोल दिए, उसके कारण सरकार ने रेल चालू कर दी, बसें चालू कर दी, दारू की दुकान चालू कर दी, बाजार खुल गए, स्कूल खुल गए, लेकिन मंदिर बंद है। मंदिर नहीं खोलेंगे, क्योंकि मंदिर यदि खोलेंगे तो हिंदू इकट्ठे होगा, एकत्रित आएगा, संगठित होगा, बात करेगा, इसलिए मंदिर नहीं खोलेंगे। ऐसे हिंदू विरोधी मानसिकता इनकी हो गई है, इसलिए मंदिर नहीं खोल रहे हैं। इसे इनको जगाने के लिए जो कुंभकर्णी है, नींद सो गए हैं उद्धव ठाकरे, इसलिए उनको जगाने के लिए ये आज यहाँ पर शंखनाद किया है। इसको मोहल्ले मोहल्ले में लेकर के जाएंगे, वहाँ हर गली मोहल्ले के अंदर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिर के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन करने का काम करेंगे कि भैया जागो, खोलो मंदिर, हिंदुओं की भावनाओं को समझो। अभी गणपति का विसर्जन होने वाला है, इसके बाद नवरात्रि प्रारंभ होगी। ये जो नवरात्रि प्रारंभ होगी, ये शक्ति की उपासना का पर्व है, इस शक्ति की उपासना करने दो, मंदिर के अंदर हमको जाने दो और इस मंदिर की उपासना से हिंदुओं की शक्ति को जगने दो। मुगलाई सरकार नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए गए थे। बाजार, मॉल, शहर की टपरिया, बार सभी खुल गए, लेकिन मंदिर नहीं खुले। मंदिर खुले तो हम भी प्रार्थना करें कि भगवान इस कोरोना से मुक्ति दिलाए। मंदिर बंद होने से कितने लोगों के रोजगार चले गए हैं, पूजा सामग्री बेचने वाले सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस विषय को लेकर आज का यह आंदोलन विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया था। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़, नागपुर।